निक्की। ये बिल्कुल है गाइस, रोहतक में सबसे अच्छा क्या है? रात को पार्टी वार्टी करके। नहीं की बहना मत गोड़े। अच्छा तो छोटी की माँ। 1, 2 and 3 ये। सुबह सुबह भाई इन्होंने दिमाग खराब कर दिया, बढ़िया से सो रहे थे हम होटल में रात को पार्टी वार्टी करके। ये तो भाई वह सुबह सुबह सर हमारी स्कूटी भी ले गए, ये सुबह सुबह टेम्पू पकड़ो। और अनएक्सपेक्टेड था कि बारिश आई होगी, बारिश आई हुई है बता दे। और देखो इतनी बिज्जत नहीं है मार्केट में, मेरे को आज तो वो है तीज, पतंग कैसे उड़ाएंगे भाई। तीज वाले दिन ना भाई हमेशा बारिश आती है, जब भी तीज होती है रिकॉर्ड रहा है ये बचपन से लेके अभी तक मेरा, मतलब एक बार तो बारिश आएगी आएगी, और आज भी ऐसा ही हुआ। बाकी मौसम बड़ा सेक्सी है, मौसम एक नंबर हो रहा है, बस कोई मौसम टाइम स्पेंड करने वाली मिल जाए। राम कौन आ रहा देखते हैं भाई टेम्पू मिलेगा या नहीं। सर आ गए हैं टेम्पू वाले भैया, चलो भाई उधर हो जा, उधर हो जा। हमें टेम्पू तो मिल गया लेकिन हमें रोहतक का कोई आइडिया ही नहीं है यार कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, सुबह सुबह कैसे क्या मिलता है। भाई साहब यही है, हमें बताएंगे क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से बाप? रोहतक से ही। रोहतक में सबसे अच्छा क्या है? रोहतक में सबसे अच्छा क्या है? मॉल है, चिड़ियाघर है। और खाने में क्या फेमस है यहाँ पे? खाने में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लो भाई, भाई साहब को भी नहीं पता, भाई साहब रोहतक के, लेकिन इनको भी नहीं पता कि यहाँ पे खाने में अच्छा क्या मिलता है, क्या यहाँ पे फेमस है। और मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं बाहर का बंदा हूँ, लेकिन रेवड़ी भाई, रेवड़ी होती है वो, मतलब इंग्लिश में तो मेरे को ना उनका नाम नहीं पता, ऐसे छोटी छोटी होती है, उनके ऊपर तिल लगे होते हैं व्हाइट कलर के, ब्राउन कलर के, ऐसे ब्राउन, दो तीन चीजें आती है यार वो सही होती है, बस इतना ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि हर जगह मिलता है ऐसा। जैसे माथुराम की जलेबी है वैसे ही रोहतक में रेवड़िया फेमस है, क्या बात है। ना भाई देखो मेरे पास ना इसकी सेपरेट वीडियो पड़ी है, वो भी इसमें डाले हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पर था किस गल नु था, जिम में किस गल था भाई, मेरे अलावा आता ही नहीं जिम में। नहीं पता था कि मुझे जिम जाना है। चलो भाई आ गए हमारी डेस्टिनेशन, चलो थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, फिर कभी मिलेंगे भगवान ने चाहा तो, उससे तो मिल नहीं पाए आपसे तो मिल ही लेंगे। तो भाई सुबह सुबह देखो ये सचिन भाई से मिलो, ये ना मॉर्निंग में लेट उठते हैं क्योंकि ये ना ये रात को पार्टी करते हैं, वो है पार्टी एनिमल है। बढ़िया से नहा धो के रेडी, ऐसा नहीं है कि पार्टी क्या और क्या, ऐसा नहीं है भाई कि पार्टी करने के बाद हम ऐसे अपने शेड्यूल से हट जाएंगे भाग जाएंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू जिम राइट नाउ। ये आज मेरे को बोला कि लड़कियों की वजह से जिम जाता भाई, लड़कियों की वजह से जिम का क्या मतलब, तो जिम में लड़कियां नहीं आती थी क्या, हम जिम नहीं जाते थे, जाते थे। ओ भाई हेलो, देखो लड़कियों का क्या है ना सीन, लड़कियां तो ऐसे आती जाती रहती हैं, हमें लड़कियों से रहना है दूर, लड़कियों से भाई मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, मतलब है लेकिन वो वाला वास्ता नहीं है कि पीछे जाना, बात करना, पहले मैसेज छेड़ना, ये करना, वो करना, बात तो सही है। अपने कभी मैसेज मत करो भाई, पता है क्या होता है, लड़कियां होती है बाबा, लड़के नहीं होते, लड़कियां होती है अपनी फ्रेंड को, पता है इसको मेरे पास डीएम आया हुआ है।
रुको जरा, सबर करो। बहन की इमेज की बहन घोड़ दे सारी, इसलिए कभी किसी को आगे से डीएम मत करो, कभी मत करो, कभी आ जाता है तो बात करो वरना। अभी थोड़े दिन पहले भाई क्या हुआ ना, मैंने ना जिम में एक लड़की है भाई, कर दी भाई, और एक अरे रुक जा मत भाई, भाई जिम में मैं चैनल चला दू भाई। चलो कोई नहीं, नाम नहीं लेता ना उस लड़की का, फिर तो भाई फिर भी ठीक नहीं लगता ना यार। चलो कोई नहीं भाई, छोड़ो हमें क्या मतलब है यार। चलो छोड़ो भाई, किसी किसी को खड़ा बाड़ होता है तो कुछ नहीं कहते हम तो। चलो अभी चलते हैं जिम में और आज बढ़िया एक्सरसाइज खेलते, दिखाता हूँ तुम्हें क्या करना है आज। चलो आज करेंगे बाइसेप्स, आज करें आज भाई। सौरभ कह रहे हैं कि आज बाइसेप्स खेल लेते हैं, आज ना पूरा आर्म्स का ही सेशन बन सकते हैं। चलो और मौसम भाई, मौसम तो कुछ मत जेन्युइन एक नंबर मौसम हो रहा है, बस एक नंबर बंदी। और ये कह रहा था आज मेरे को कि मेरे को सोने दे 11 बजे तक, ये देखो भाई। फिर रात को यार हम बढ़िया थोड़ा लेट सोए थे ना, ना मौसम का एंजॉय कर पाता ना वेदर का। ओह माय गॉड, वाओ, अभी आके पतंग भी उड़ाएंगे। और हाँ पतंग उड़ाएंगे चाकर से। जिम में आने के बाद दवाई भी बदल जाती है मेरे तो। हेलो कीर्ति मैडम, क्या हाल है? अरे मैडम आपके कान के तो बड़े बड़े बढ़िया लग रहे हैं। अरे सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? कैसे हो सर, आपकी तो बातचीत कर भाई। यही वो आदमी जी ने कल हमें मिलाई थी, चेंज वेंज कर लिया मैंने, वार्म अप बढ़िया हो गया, अभी पहलते हैं बढ़िया। चलो और राम क्या हाल है, कैसे हो? तू भी पानी डालते रहा अगर बस। क्या कुछ एक नंबर सेशन था आज, मजा आ गया जिम में। हाँ और थक भी गया तो आज चलो घर चल के सोते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं बढ़िया। अरे मैडम जिम का सेशन, क्या बात है, फ्रेश 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 है मेरा भाई। बस यही दे दो भाई, ज्यादा नहीं, स्मूथ लेते हैं। जिम विम तो होगी जितनी करनी थी। हाँ भूख भी लगी है तो सबसे पहले ये लेके चलते हैं घर पे। और पतंग उड़ाने का भी मेरे पास मौका आया है, अभी लोगों ने मेरे को ऑफर किया है कि आ जाओ मेरे घर पे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को फालतू के काम पसंद नहीं है यार, टाइम वेस्ट लगता है मेरे को एक्चुअली ना। कौन है ये लोग? पर मैं उड़ाऊंगा। कहां से आते हैं? लोग भी तो बनाना है भाई, कंटेंट भी तो निकालना है। कितने पैसे हो गए दादा? ऐसी तैसी तो होनी है भाई, बढ़िया तीज वाले दिन हमने ले लिया, चीट मिल गई हमारे साथ आ गया था निक्की। और ये देखो यहाँ भाई, ये देखो, अरे वो काटे, ये देखो लुचरी पतंग उड़ा रहे हैं ये दोनों भाई। मेरा क्या है भाई, छात पर तो उड़ते हैं पतंग, पेचे उड़ानी है ला जाते लानी मगाया छात पे ऊपर ना जाती। मेरी कहने का इसकी बॉडी गार्ड की पेनू लगा दिए, बोलना क्या चाहते हो। और सब बहनों को उठाओ, आज घने दिन में बर्गर खाया, एक नंबर है आने के लिए। तू तो रोज लपेटा साले। वो भगवान ये पतंग वतंग का लफड़ा खत्म होने के बाद आज हम करेंगे पार्टी, विधायक जी पिलाएंगे हमें दारू और बियर की पेटी, घंटा पिलाएंगे विधायक जी, जो ठंडा भी ना पिया विधायक जी, पक्की ले 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 ही बोले नीचे से मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ भाई रु जा पतंग ना बदन दे फिर बोल लो। ओए तेरे में, अरे ओए ओए मत कर भाई, किस गिल बैम पड़ रहे वंश नहीं। अरे बावली गांड इसको यूं कर, असली नाम ले दिया।
एक पतंग हो रहा है इस पर पर रखता है मैंने यार वीडियो चलिए यार भाई 2 मिनट दे 2 मिनट दे ये डाला यार फोन आ गया आज हां सही में दिखा और भाई तो यार गणे आ गए यार इतने रिच हैं भाई एक ही बार बर्तन यूज करते हैं बाकी ऐसे फेंक देते हैं अरे क्या कर रहा है भाई ये मेरा अरे ये देखो भाई ये जो पतंग है ना ये काली और ये बैन की लोड़ा कौन सा कलर है ये पिलपिली ये इस पिलपिले की है पिलपिले दो मिनट क्या पड़ रहा है आज लेके आयोगे थमियो है ओए ले भाई प्रो प्लेयर आ गया पतंगा का ए बंदे आ एक आंख नीच के जान दे पिच्चे ना हो रे ना हो रे ना हो रे चल 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 जाने दे खोल नहीं ना जल्दी जल्दी चल 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 अरे भाई जान देने अगर ये पतंग कट गई ना तो इधर नो भाई नकली मान जूंगा मैं इन्हें आने तक उड़ाऊंगे कट गई तो फिर लेकर आप पड़ जाएगी वो काटे हम लोग बनाते जल्दी चल ले ए तो सुनी के लेते हैं ना कटवा दी चूतिया मैं इतनी देर से देख रहा था ना स्ट्रगल कोड़ी गांडे आदमी है भाई चल चलो भाई आ गए हैं मार्केट में दो नए लोटे पतंगबाजी करने के लिए ये अकेला खवा लग रहा है यो पतंग रचा गई थी आज मैंने बेरा यो उल्टी डायरेक्शन में उड़ाएगी बहन के चल निक्की भी दिखाना है जेड़ा जो रोला चल रहा है निक्की बारे में सुनो विधायक हमारे पास तो पतंग खत्म हुई थी तो भाई से मांगते हैं और ये रोड़ी मंड लेके नहीं आया वन एक ही अटेम्प्ट में जाने चाहिए वहां तक फोन पड़ जाएगा बहन की गर्मी इतनी क्यों हो रही है हवा नहीं ले तू वो देगा दुर्गा तू दुर्गा तू दे पहला फोल्ड कर नहीं की बहन है मत गोड अच्छा छोटी की माँ पतंग थी भाई कौन सी उड़ानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मसल है या ना था भाई हरा गया भाई डोरा अपनी छत पे है या ठाग ला रहे पतंग रुकी की डोरा आड़े इतरा भाई जा जल्दी जा बंद करके दे बोलो मेनू का पतंग लूटा था हां बेटे मिल गई उठा लो जल्दी से एक काम करे सुन इनकी छत अरे नहीं ये तेरी सीटी ला ले आड़े भी कंटेंट वाला मतलब है फिर तो कह जे देखो गाइस पतंग उठा रहा है जिसने ये व्लॉग लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया ना उसकी ऐसे भगवान जी खिंडा देगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता दो आपको अपनी माँ की कसम है आपको अपनी माँ की कसम है ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है प्लीज इसको आगे पहुंचा दीजिए ओए ये पकड़ रहा निक्की चल 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 ये है तो भाई ये प्रो बंदा
लेकिन ये खस्सी प्रो वाले ले वो बैनकोट दी ना उठा ला उठा ला उठा ला पतंग भी रख हां ओ यो उतरी बैठ गाल आ गई गाल बाज ले पतंग तो ऊपर दबा जा ले देख कितने कम तो भाई ये तीसरी पतंग बीज ने मुंह से तोड़ के फेंक दी अभी एक पतंग और रहती है भाई उसको भी उड़ाएंगे ये पतंग तुम्हारा भाई उड़ाएगा चार पांच काट लिया हमने ये पतंग तुम्हारा भाई उड़ाएगा अरे यार सातवीं पतंग उड़ाओ ठीक है उड़े ना फिर से क्लिप डालनी है जा कर पतंग नहीं उड़ी कूल टावर में टक्कर अरे जेन्युइन पतंग है उड़ेगी ले उड़ा दी तेरे यार ने टावर मत गिर ये कदे पतंग मार के टावर गिर दे अपनी गांड पर वाले उड़ा दी अरे 90 डिग्री पे भी कर दी तेरे यार ने 90 पतंग ये क्या पता ये 90 पे मेरे को डोज ए हेलो देख दे जो पतंग कितनी नीचे ला दी साले ने इतनी हवा चल रही है इतनी हवा फील भी हो है ले ले आसमान 90 टांग दे ही पतंग ने दे अरे ले भाई ले हां और ऊपर ले भाई ले और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर 90 कर दे पूरी और भीतर जान दे इसके ले इसको और भीतर जान दे चल 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 पसीने ओ काटे काट दीवा काट दी दोवारी पतंग मारी भाई देखो ये मेरे को कह रहे थे कि पतंग नहीं उड़ा सकता ये नहीं उड़ा सकता तो तुम्हारे भाई ने उड़ा उसी ने काटी बैठ मेरे को अरे ओ भाई हेलो अरे ऊपर जग गई भाई साले ओ कसीन ने चप उचा दी गए अरे भाई इसकी काटनी है ना हर लड़की ने इसका काटा इसलिए ये रेडी हो रहा है कि ये भी किसी ना किसी के काटे कुछ तो काटे ओए ओए कोई नहीं यार चलो इसी के साथ करते इस ब्लॉग को यहीं खत्म बहुत मजा आया तो तब तक के लिए बाय डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मेरे इंस्टाग्राम पर